आजमगढ़ उपचुनाव के लिए अखिलेश ने फाइनल किया डिंपल का नाम। अखिलेश के घर से चुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव। आजमगढ़ में कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है सपा चीफ। 5 दिन में दूसरी बार खुद मन टटोलने आजमगढ़ पहुंचे हैं अखिलेश। आजमगढ़ की लोकसभा सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सांसद थे। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने करैल विधानसभा सीट से जीत दर्ज की और फिर आजमगढ़ की सांसदी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही ये अटकलें लगातार लग रही हैं कि सपा सुप्रीमो अपनी पत्नी डिंपल यादव को यहां से पार्टी का उम्मीदवार बना सकते हैं। अब खुद अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। पार्टी नेताओं का मन टटोला जा रहा है कि क्या डिंपल यादव को यहां से बड़ी जीत हासिल हो सकती है या फिर उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को फिर से आजमगढ़ के दौरे पर आए थे। 5 दिन के अंदर अखिलेश यादव का यह दूसरा आजमगढ़ दौरा है। ऐसे में इसे लेकर कयासों का दौर भी चल पड़ा है। आजमगढ़ में बड़ी अखिलेश की सक्रियता को कई जानकार यहां होने वाले उपचुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। वैसे तो अखिलेश के वहां जाने का मकसद शोक संवेदना व्यक्त करना बताया जा रहा है, लेकिन जानकार इसके पीछे सियासी मकसद को भी जोड़कर देख रहे हैं। खबर है कि अखिलेश यादव इस लोकसभा सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को सपा प्रत्याशी बना सकते हैं। बताने कि आजमगढ़ की लोकसभा सीट से इससे पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ही सांसद थे। हालांकि करहल विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने आजमगढ़ की सांसदी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही ये अटकलें लग रही है कि सपा सुप्रीमो अपनी पत्नी डिंपल यादव को यहां से बतौर उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि जिले के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की राय पर अखिलेश ने लोकसभा की सीट छोड़ी थी और अब डिंपल यादव को मैदान में उतार कर अखिलेश डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इन नेताओं ने डिंपल यादव को आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने पर सहमति व्यक्त की है। 5 दिन के अंदर अखिलेश यादव की इस दूसरी यात्रा को इसी उपचुनाव के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।